इंडिया ब्रिंग हर साड़ी। शादी में क्या पहनूं, दिस इज अ बहुत ही दुख का बात है कि हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज थर्सडे है एंड अभी टाइम हुआ है 9 बजने वाला है, तो सना आ जाएगी। एंड कल रात को ही मुझे याद आया कि आज तो बसंत पंचमी है, लाइक आज सरस्वती पूजा है, तो सना आएगी तो तुरंत मैं निकलूंगी क्योंकि मुझे फ्लावर्स ख़रीदने हैं। सरस्वती पूजा में से येलो कलर के फ्लावर्स हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं। एंड सिद्ध अभी यहाँ पर सो रहा है, मैंने इसको बेसिनेट से निकाल के बेड पे, आई गॉट हिम इन द बेड। बेड पे अगर यू नो ये बीच में सोएगा ना, ये इतना अच्छे तरीके से सोता है, यू नो दे फील कंफर्टेबल। एंड कल कोई भी वीडियो आज नहीं गया क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी थी। कल जैसे सिद्ध का वैक्सीनेशन था, 6 मंथ्स का चेकअप था। मैं जाने वाली थी, एक्चुअली क्या है सिद्ध का मिल्क ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना, उसका मिल्क हर वक्त फ्रिज में, लाइक वंस यू ओपन इट ना, एंड वो लिक्विड में ही आता है, वो पाउडर में नहीं मिलता, यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिज। तो यहाँ पे ना मुझे छोटा छोटा कैन मिला, तो आई थिंक सो इट विल बी गुड बिकॉज जब हम लोग ट्रैवल करेंगे तो मैं खरीद लेती हूँ। मुझे ये काफ़ी पसंद आया, सो दिस आर ऐसा स्मॉल कैन्स है विच आर परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग। लाइक मैं इसको अपने डायपर बैग में रख दूंगी, यू नो, क्योंकि रूम टेम्परेचर में ही है। व्हेनेवर आई वांट टू यूज़ आई कैन यूज़ इट। एंड इसमें 8 OG आएगा, तो 8 OG का बोतल जो है वो मैं लेके चली जाऊंगी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे सिद्ध भी नहा चुके हैं, एंड क्योंकि आज बसंत पंचमी है एंड सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के दिन ना हम लोग बाशंती यानी येलो कलर का साड़ी पहनते हैं, साड़ी नहीं तो कोई ड्रेस। तो आई वेयर दिस साड़ी एंड आज मुझे कोई भी फ्लावर नहीं मिला, तो आई जस्ट गॉट दिस येलो रोज, और क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये येलो साड़ी पहना है एंड इसके साथ ब्लाउज भी है, पर वो ब्लाउज अभी नहीं होता है। मेरा भी ब्लाउज बोलने से हाफ ऑफ द ब्लाउज होता ही नहीं है, उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये साड़ी का प्रॉब्लम क्या है मैं आने के बाद आपको दिखाऊंगी, मतलब मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ पूजा करने। नाउ द टाइम इज 11:10 एंड एंड मेरा ना एक आदत हो चुका है कि जब भी सरस्वती पूजा नहीं तो लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, तब सब लोग रहते हैं ना, उसका एक अलग मज़ा है। एंड आज बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है, यू नो, कि पूजा में मैं अकेली कर रही हूँ। तो सरस्वती पूजा में ना, बिकॉज इट्स अ गॉड ऑफ विजडम, तो मैं क्या करूँ, राय का तो कुछ बुक एंड ऑल नहीं है, वो तो स्कूल लेके चली गई सब कुछ, तो एक ही बुक था जिसमें वो आई थिंक सो वो मैथ्स एंड ऑल प्रैक्टिस करती है, हाँ, तो मैं वो ही लेके आ गई। फिर शॉमिक का आई डोंट हैव एनीथिंग, वो शॉमिक शाम को बहुत चालू है, वो आके डेफिनेटली दे देंगे। एंड मेरा क्या, मैंने फ़ोन दे दिया है बिकॉज दिस इज़ द वन आई थिंक सो इन विच आई क्रिएट कॉन्टेंट। तो पूजा संपन्न हो गया है एंड हाँ, कि मैं दिखा रही थी ना अभी ना, यहाँ पे तो कुछ ऐसा टेक्स्ट बुक का कुछ नहीं है, अभी राय जो भी करते एवरीथिंग इज़ इन लैपटॉप। तो शाम को आके मैं उसको बोलूँगी थोड़ा टाइम के लिए लैपटॉप रख दो। एक्चुअली जब हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी लोग हर वक्त बोलते थे कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई मत करना, पढ़ाई मत करना। लाइक इसको ना हम लोग बंगाली वैलेंटाइंस डे भी बोलते हैं। लाइक जितना भी छोटे छोटे बच्चे लोग ना, सब लोग साड़ी पहनते थे, इट यूज़ टू लुक सो गुड। एंड सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती पूजा का मैं स्पेशल खाना बनाऊंगी, जो सरस्वती पूजा में मोस्ट ऑफ द जगह पे बनाते हैं, दैट इज खिचड़ी लाबड़ा। लाबड़ा इज ए मिक्स वेज, अभी पता नहीं मैं मिक्स वेज करूंगी या मैं सिर्फ कैबेज की सब्जी बनाऊंगी। फिर चटनी एंड उसके साथ सम भाजी। एंड राय का ड्रेस आ गया लुलू से, देखते हैं इसके, इसको लेके इतना ज़्यादा होप तो नहीं है। एनी हाउ वी आर सॉर्टेड, यू नो राय क्या पहनेगी शादी में, बट देन ऑल्सो वी डिडंट हैव एनी अदर चॉइस। द ड्रेस इज गुड एक्चुअली, बट या सी द प्रॉब्लम इज द नेक, काफ़ी बड़ा है ना, पर ये ना यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दो तो हो जाएगा। लाइक मैं तो ऐसे ही करती थी पहले, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द ड्रेस में ना ऐसा बड़ा रहता है। सी द ड्रेस इज गुड, देखती हूँ राय आएगी तो बोलूँगी। तो खिचड़ी के लिए ना मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ दाल लिया है,
तो ये मूंग की दाल है एंड ये ना मूंग की दाल थोड़ा फ्राई किया हुआ है, लाइक भुना हुआ है, रोस्ट किया हुआ है, तो मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। एंड हम लोग खिचड़ी ना एक्चुअली लाइक गोविंदभोग जीरा राइस होता है ना छोटा छोटा, उससे बनाते हैं, जो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, जो राइस है ना बासमती राइस है ना उसको भिगो के एंड देन मैं ऐसा ही थोड़ा क्रश कर लेती हूँ। तो मैं आज जो थाली बना रही हूँ ना, अगर आप चाहे तो ये भोग में भी दे सकते हैं। बहुत सालों बाद ऐसा भी होगा कि मैंने भोग की थाली भी नहीं बनाया, पर क्या करें, राय जब लाइक इसी स्टेज में थी ना तब तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। एंड ओवर द टॉप अगर वीकेंड होता ना देन इट इज़ ईजी, यू नो वीक डेज है इसीलिए इज द प्रॉब्लम। तो मैं इसको बेगुनी बोलते हैं, जिसको आपको बैंगन को ना लाइक एक प्लेन को ना बहुत ही पतला करके कट करना पड़ता है, बट हाँ एक प्लेन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। एंड हाँ, आप लोग भी बहुत जन मुझसे एग्री कर रहे थे कि हाँ पायल, अगर खाना बनाना ना पड़ता तो कितना सारा चोर्स हम लोगों का ख़त्म ही हो जाता। एंड बैंगन को ना हाफ पार्ट जो है ना उसको ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल में कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो फाइनली सब कट करना ओवर एंड इसमें कुछ टमाटर मैं खिचड़ी में दूंगी एंड जो लंबा लंबा कट किया है ना दिस इज फॉर द चटनी एंड यहाँ पे है जिंजर काफी सारा क्योंकि कैबेज पे भी जिंजर देंगे। एंड रैक्स सोच रहा है मम्मी कब बनाओगी, कब रैक्स खाएगा। तो जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, मैं हर वक्त ड्राई रोस्ट करके फिर जीरा पाउडर बनाती हूँ। तो एक पैन में फर्स्ट मैंने घी लिया है, तो घी जब गर्म हो जाए उसमें दो चावल एंड दाल जो हम लोगों ने भिगोया था ना अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लीजिए एंड देन अभी आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो अभी वही मैं फ्राई कर रही हूँ एंड जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए ऐड सम सॉल्ट एंड फिर पानी दे के बिठा देंगे। अभी आप लोग सोचेंगे ये कैसा खिचड़ी है पायल, नहीं मसाला हम लोग अलग से बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, फर्स्ट मैंने ऑयल पे 1 teaspoon जीरा पाउडर, देन सम होल गरम मसाला, 2 bay leaves, 2 dry red chili एंड उसके बाद मैं इसमें एक पेस्ट बनाऊंगी। फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, अराउंड 1.5 टमाटर। तो टमाटर को थोड़ा भूनेंगे, ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड फिर कवर करके रख देंगे। एंड चलिए अभी मसाला बनाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है जिंजर, तो जिंजर में मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, फिर मैंने ऐड किया टर्मरिक पाउडर, फिर जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे, ऐड लिटिल बिट मोर वाटर एंड अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कीजिएगा। फिर हम लोग ये मसाला ऐड कर देंगे एंड फिर अभी आपको अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। सी अच्छी तरीके से भून भी चुका है एंड ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। सो ये हम लोग कब ऐड करेंगे, वील ऐड इन द मिडिल, यू नो जैसे कि जब राइस एंड दाल कुक हो जाएगा। मैंने थोड़ा पीस भी ऐड कर दिया है बिकॉज विंटर का टाइम है, लेट्स ऐड एंड यू कैन ऐड सम विंटर वेजीज ऑल्सो। एंड देन मैंने ऐड कर दिया है मसाले, तो मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा भून लीजिएगा, ऐड सम मोर सॉल्ट इन इट, फिर कवर करके रख दीजिएगा। एंड एट द एंड में इसमें ऐड कर ली हूँ भाजा मसाला 1 teaspoon, अगर आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कैबेज भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, 5 फूरन का तड़का दिया था, देन आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ जिंजर इन इट। एंड यहाँ पे मैं फिर बना रही हूँ चटनी, टमाटर का चटनी, ये बहुत ही सिंपल चटनी है मैं बना रही हूँ, मैंने और शेयर नहीं किया बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन चटनी, क्योंकि ये मीठा होता है। एंड हाँ कैबेज भी हो गया, आप सबसे बात करते करते दे जोक्स अपार्ट इतना जल्दी खाना बन जाता तो बात ही कुछ अलग होता राइट, इतना जल्दी तो सिर्फ मैगी हो सकता है। एंड जैसे मैं बोल रही थी कि चटनी मीठा है तो मैंने शेयर नहीं किया, तो चलिए चटनी को निकाल लेते हैं क्योंकि चटनी को ना थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है खाने में। एंड से खिचड़ी कितना परफेक्ट हुआ है। तो फाइनली सब कुछ बन चुका है, अभी मैं सिर्फ भाजी बनाऊंगी एंड देन इट्स डन। वो सना भी अभी जल्दी जल्दी अब बोतल एंड ऑल वॉश कर रही है क्योंकि मैरी आ जाएगी। मैरी आने से पहले हम लोग सब लोग अपना काम करके रख देते हैं। तो यहाँ पे बैगुनी भाजी रेडी हो चुका है एंड चलिए अभी डिश आउट करते हैं।
तो जैसे मैं बोल रही थी, इफ यू वांट आप ये बना के भोग में दे सकते हैं, नहीं तो दिस इज ए विंटर का परफेक्ट थाली में बोलूंगी, काफी अच्छा लगेगा खाने में। तो किसको किसको ये थाली देख के खाने का मन कर रहा है कमेंट पे जरूर बताना। शीत का अभी है टमी टाइम, तो ऐसा ना थाली आप विंटर्स है ना, विंटर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ऐसा बना सकते हैं। एक्चुअली ना खिचड़ी में ना मुझे क्या बोलूँ कॉलीफ्लावर देना था, मैंने लिखा भी था पता नहीं, शायद कॉलीफ्लावर नहीं था तो ही डिन गेट इट। एंड सना मुझे पूछ रही है ये साड़ी पहन के तुम होल डे रहोगी क्या, तो उसको मैं उसको बोल रही थी कि इंडिया में लाइक मेरी मम्मी आई कैन गिव यू फ्रॉम हियर ओनली। सना बोल रही है व्हेन यू गो टू इंडिया ब्रिंग हर साड़ी, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग साड़ी। इट्स चीपर इन इंडिया राइट? डेफिनेटली इट्स चीपर इन इंडिया, हियर इट्स एक्सपेंसिव। ओके आई विल ब्रिंग साड़ी, सना के लिए साड़ी लाऊंगी मैं इंडिया से। तो मैं सना को वही बोल रही थी कि इन इंडिया यू नो सो मेनी लेडीज दे विल स्लीप इन दिस साड़ी बिकॉज़ दिस इज आवर मेन ड्रेस राइट, वी गेट यूज्ड टू इट। नो नो ग्रैंडमा, I didn't call grandma. No, sir, sir, she called grandma. Yeah, now grandma is sleeping. Sana bol rahi hai ye dress pehna ke grandma ka phone kar, grandma so rahi hai. लड़की लोग के छोटे छोटे साड़ी भी मिलते हैं विच इज सो क्यूट, ट्रस्ट मी बेबीज, छोटे बेबीज में मैं एक चीज तो बोलूंगी, आई डोंट नो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल एग्री कि लड़कियों को ड्रेस करने का ना एक अलग ही मजा है, बॉयज़ का तो यहाँ पे सो मेनी कलर प्रॉब्लम्स आर देयर, वो नहीं वो नहीं, एंड ड्रेस भी देखा जाए तो क्या हो ड्रेस ही है, बट फॉर गर्ल्स सो मेनी थिंग्स यू कैन डू राइट, करेक्ट और नॉट? इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर, बॉयज डोंट गेट नथिंग गुड, पर गर्ल्स के लिए इट इज सो कितना क्यूट लगते हैं लाइक। एंड इसके साथ एक्चुअली शू भी था, वो मैं नीचे से लाना ही भूल गई, एंड सीट एक्चुअली जब कपड़ा पहनाते हैं ना बहुत ही मुश्किल होता है, बट टुडे ही इज इन अ वेरी हैप्पी मूड, वही बच्चों का कोई ठीक नहीं है। तो मैंने सना को बोला कि सीट के साथ मेरे एक पिक्चर क्लिक करके दो, क्योंकि सीट का फर्स्ट सरस्वती पूजा है, फर्स्ट बसंत पंचमी है। सीत का ये पिक्चर बहुत क्यूट आया, सी हाउ इज दिस वन, बहुत ही क्यूट आया है। एंड बाकी का पिक्चर अभी क्या होता है, बच्चे लोग यहाँ हुआ देखते रहते हैं, नहीं तो कुछ टाइम कुछ पिक्चर ऐसा है कि सीत देख रहा है मेरा आँख बंद, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पिक्चर में ना मेरा आँख बंद हो जाता है। तो अभी राय भी आ चुकी है, एंड राय ने मैंने राय को बोला ड्रेस पहन के देखो तुमको कैसा लगता है, तो बहुत ही दुख का बात है कि पता नहीं मुझे क्या लगा था एंड मैंने क्यों खरीदा था ये ड्रेस, इज सुपर फ्लॉप, इसका नीचे में इतना बड़ा कट है ना लाइक आई कैन टेल ऑल्सो लाइक मैं क्या बोलूँ, कट फुल यहाँ तक आ रहा है, जो आई थिंक सो इट इज़ लाइक आपको अंदर में ना कुछ एक शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा, तो राय ये कभी भी नहीं पहनेगी, पता नहीं ये लोग क्या ड्रेस बनाते हैं, नाउ सी आई कैन रिटर्न ऑल्सो, फुल मेरा पैसा बर्बाद हो। तो सब लोग प्लीज़ मुझे हेल्प करो एंड टेल मी, एटलीस्ट मुझे टू ऑप्शन देना, क्योंकि मैं तो दो ही साड़ी लेके जाऊँगी ना, सो दैट आई कैन चूज, अभी इतना सारा साड़ी तो नहीं लेके जाऊँगी कि कौन सा साड़ी मैं शादी के दिन पहनूँ। सो दिस इज द कांजीवरम, सी इसका बॉर्डर कितना चौड़ा है, लाइक आई फील दिस इज अ परफेक्ट साड़ी शादी में पहनने के लिए, एंड ऊपर से ये सब काम भी कराया हुआ है, बिकॉज जब मैं इंडिया गई थी लास्ट टाइम दैट टाइम आई गॉट दिस साड़ी, एंड यहाँ पे सिद्ध जो खेल रहे हैं, और दिस वन ये भी कांजीवरम है, ये मैंने नल्ली से खरीदा था, और दिस वन नहीं तो ये, विच वन आई शुड वेयर? द येलो एंड ब्लू, सना बोल रहे हैं दिस इज नॉट ब्लू दिस इज पर्पल डार्क।
तो सना बोल रही है, सना का वोट जाता है येलो में। आप लोग बताना, एक्चुअली ये मसाबा का साड़ी ना इज रियली मक्खन की तरह कंफर्टेबल है। अभी इतना टाइम रहना है ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि नो एट द एंड यू नो आई शुड बी कंफर्टेबल। प्लस येलो ना थोड़ा डर लगता है, कुछ गिर गया तो गया मेरा। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि पायल कुछ ड्रेस पहनो, तो मुझे लगता है यू नो हम लोग का, मेरा भाई तो इंडियन ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, एंड आवर इंडियन कल्चर इज़ सो रिच एंड साड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। लाइक सभी को इंडियंस, मतलब सभी लोग कोई थोड़ा जानते तो दे नो अबाउट साड़ी, सो वाई नॉट यू नो। तो मेरी चाची भी बोल रही थी नहीं नहीं साड़ी पहनेंगे हम लोग, यू नो सब लोग हम लोग को ही देखेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, बिकॉज शादी में क्या पहनूँ, दिस इज़ अ बिग पे सिद्ध को प्रैक्टिस करा रही है डांस फॉर द वेडिंग टू गेट अ गर्लफ्रेंड। तो प्लीज़ ये चारों में से बताना विच वन आई शुड वेयर। ये शायद नहीं मैं पहनूंगी, इसको मैं रिजेक्ट ही करूँगी बिकॉज इट्स आंचल थोड़ा हेवी है। This one, right? No. This one? Yeah. Yeah, this is also really comfortable. So, abhi time hua hai 4:15 and wo log kitchen ka kaam kar rahe hai. Kitchen ka kaam wo log last karte hai. Means aur sara kaam ho gaya hai. Phir kitchen karne ke baad na floor full achhi tarike se wipe kar lete hai. To Rai apna khana leke niche hi chali gayi hai. To chaliye uske saath ye Basant Panchami nahi to Saraswati Puja ka vlog end kar dete hai. And to be very honest, अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है ना, अगर ऐसा होता कि शादी में नाइटी पहन के जा पाते, लाइक आई फील इट इज़ द मोस्ट यू नो कंफर्टेबल ड्रेस में जो ये सब पहनती हूँ, इतना अच्छा लगता है यू नो स्टेइंग फॉर लॉन्ग आवर्स, पता नहीं क्या होगा। तो चलो विद दिस, काफ़ी ठंडी है, आई विल एंड टुडेज वीडियो, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक एंड मैं आप सबसे मंडे मिलूंगी विद ए न्यू वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।